तो यहाँ पे आप इनकी अर्निंग को देख सकते हो, $3K इनकी मिनिमम की अर्निंग है मंथली की। अगर मैक्सिमम अर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो $48.5K इनकी मैक्सिमम की अर्निंग है। अगर यहाँ पे मिनिमम अर्निंग को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2,96,91.50 ये बनता है। इस तरह से यहाँ पे ये लोग यूट्यूब से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो आप लोगों को मैंने अर्निंग को दिखाया है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से की गई है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात वो ये है, ना तो इन्होंने अपना यहाँ पे फेस दिखाया और ना तो यहाँ पे इन्होंने अपना वॉइस ओवर की आप आवाज दी है, फिर भी ये यूट्यूब से लाखों की अर्निंग कर रहे हैं और इनका चैनल मोनेटाइज भी है। तो अगर आप भी बिना फेस दिखाए और बिना अपना वॉइस ओवर किए इनकी तरह अर्निंग को करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा। तो अब मैं आपको इनके चैनल को दिखा देता हूँ कि किस तरह की यहाँ पे ये वीडियो को बनाते हैं और इनके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर और इनके वीडियोस पे कितना व्यूज आ रहा है। मैं YouTube पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप इस चैनल को देख सकते हो मिनी फूड की। इनके सब्सक्राइबर को आप यहाँ पे देख सकते हो, 3.21 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे आप देख सकते हो। और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने 106 वीडियो को अपलोड किया हुआ है और यहाँ पे इनके सब्सक्राइबर को आप देख सकते हो कि 3.21 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो ये कंटेंट कितना ज्यादा वायरल है इससे आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पे आप इनके वीडियोस पे व्यू को भी देख सकते हो, 130 मिलियन व्यूज है यहाँ पे आप इस वीडियो पे देख सकते हो, 116 मिलियन व्यूज यहाँ पे देख सकते हो, 115 मिलियन, 109 मिलियन, 105 मिलियन यहाँ पे देख सकते हो कि सारी वीडियोस पे 100 मिलियन प्लस व्यूज जा रहा है। तो अब मैं आपको इनकी वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ और इनका चैनल मोनेटाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर थैंक्स का भी बटन ऑन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनका चैनल मोनेटाइज है। तो यहाँ पे आप इनकी वीडियो में देख सकते हो कि सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी मिनी चीज़ें, और कितनी अच्छी लग रही है इस तरह की वीडियो। अगर आप भी इस तरह की वीडियो को बनाते हो तो आपकी वीडियो काफ़ी जल्दी वायरल हो सकती है। तो अगर आपको भी यहाँ पे इस तरह की वीडियो को बनाना है, इस तरह के चैनल पे काम करना है तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा, इस तरह के मिनी टूल्स को आपको बाय करना होगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को बनाना है। और इस तरह का प्रोडक्ट आपको Amazon और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हो। एक दो दिन में मैं इस तरह के प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हो और इस तरह के प्रोडक्ट को बाय करके आप यहाँ पे वीडियो को बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत से भाइयों के पास पैसे नहीं होंगे इस तरह के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, पैसे नहीं होंगे या पैसा खर्च नहीं करना चाहते इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए। तो इसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप लोग वीडियो को बना सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को वीडियो को कैसे बनाना है और कैसे एडिट करना है कि आपके चैनल पे स्ट्राइक ना आए या कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो अब मैं आपको एक और चैनल को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनी किचन शॉर्ट, इनके सब्सक्राइबर को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 1.41 मिलियन सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी उसी तरह की वीडियो को बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो उसी तरह की शॉर्ट किचन वीडियो को बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको एक वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो उसी तरह की यहाँ पे भी वीडियो है। एक और चैनल को आप देख सकते हो टीनी फूड की, यहाँ पे देख सकते हो ये भी उसी तरह की वीडियो को बनाते हैं और इनके वीडियोस पे व्यू को देख सकते हो कि 30 मिलियन, 16 मिलियन, 40 मिलियन यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यूज आ रहा है। और ये भी उसी तरह की किचन मिनी शॉर्ट वीडियो को बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो लोग यहाँ पे इस तरह की वीडियो को बनाना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं और लेकिन यहाँ पे पैसा को खर्च नहीं करना चाहते, वो अपना पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करना चाहते या उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है, फिर मुझे मत बोलना। तो इसी चैनल से आपको यहाँ पे वीडियो को डाउनलोड करना है और अपनी वीडियो को क्रिएट करना है। और किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को बनाना है कि आपके चैनल पे स्ट्राइक ना आए, कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को एडिट करना, वो मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाऊंगा। तो इस चैनल को आप देख लो टीनी फूड की, इसी चैनल से आपको यहाँ पे वीडियो को डाउनलोड करना है। एक और चैनल है जहाँ से आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, मिनी फूड की, इस चैनल को मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, इस चैनल से भी आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को डाउनलोड करना है। तो अगर आपको पता नहीं है कि यूट्यूब की वीडियो को कैसे डाउनलोड करते हैं तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ से मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया है, तो अब आपको यहाँ पे वीडियो को कैसे क्रिएट करना है वो बताता हूँ। तो वीडियो को बनाने के लिए यहाँ पे मैं काइनमास्टर का यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे किसी और ऐप का भी यूज कर सकते हो। तो मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ
ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब शॉर्ट के लिए आपको यहाँ पे 16:9 के रेशियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अभी जो मैंने वीडियो को डाउनलोड किया था यूट्यूब से यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो बहुत बड़ी है, तो आपको इसको कट करना और छोटी वीडियो को आपको बनाना है। और एक वीडियो से आपको 15 सेकंड से कम की वीडियो को लेना है। 15 सेकंड से आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को एक्स्ट्रा नहीं लेना है एक वीडियो से। तो अलग अलग वीडियो को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और एक वीडियो से आपको 15 सेकंड से कम की वीडियो को बनाना है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को 2-3 मरतबा पहले अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्ट वीडियो को अच्छा है, उसी को आपको यहाँ पे रखना है। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद ट्रिम पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं टाइमलाइन को 15 सेकंड से कम पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे फिर से इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद ट्रिम पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कट चुकी है वीडियो। तो इसी तरह से आपको एक वीडियो से 15 सेकंड से कम की वीडियो को ही लेना है। उससे एक्स्ट्रा अगर आप लेते हो तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब आपको यहाँ पे फिर से इस वीडियो पे क्लिक करना है। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन एंड जूम पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको यहाँ पे जूम कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जूम करना है और नीचे से और ऊपर से इस तरह से आपको छोड़ देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा खाली रहने देना है। उसके बाद आपको इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज एसेट पे क्लिक करना है। इमेज एसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक येल्लो इमेज को ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक येल्लो इमेज को ले लिया है। तो अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद क्रॉपिंग पे क्लिक करना और इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है और बैक आ जाना है। और इसको बड़ा करके मैं यहाँ पे ऊपर लगा लेता हूँ एडजस्ट करके सही तरह से। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद आपको फिर से इस इमेज पे क्लिक करना और इसको वीडियो के लास्ट तक ले जाना। इस तरह से पूरी वीडियो में खींच के लगा देना है। तो अब आपको यहाँ पे ऊपर में एक टेक्स्ट को लिखना है। तो उसके लिए आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओहो वाओ, यहाँ पे मैं एक इमोजी का यूज कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है और इमोजीज का यहाँ पे यूज करना है। ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऊपर मैं इसको एडजस्ट करके सही तरह से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो ब्लैक हो चुकी है, वीडियो में डॉट आ चुका है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब आप लोग टेक्स्ट की एडिटिंग को कंप्लीट करोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सही से टेक्स्ट को लगा दिया है। तो अब आपको यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारा फॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं रोबोट बोल्ड इटैलिक इस फॉन्ट का यूज कर रहा हूँ। आप भी इसी फॉन्ट का यहाँ पे यूज करना। तो यहाँ से मैंने फॉन्ट को ले लिया। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना, कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को ले लेता हूँ और टिक पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पे इसके रेशियो को आपको यहाँ पे 8 पे कर लेना है। ठीक है, और बैक आ जाता हूँ। अब आपको फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है और नीचे आना है और शेडो को आपको इनेबल कर देना है और यहाँ पे इसके रेशियो को भी मैं 8 पे कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। आपको यहाँ पे ग्लो पे क्लिक करना है। ग्लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको भी इनेबल कर देना है और यहाँ पे इसके रेशियो को आपको यहाँ पे 10 पे कर लेना। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक जो आ रहा था वो ठीक हो चुका है। तो अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आप इस तरह की वीडियो को बनाकर YouTube पे अपलोड करते हो तो आप YouTube पे काफी जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी चैनल से वीडियो को डाउनलोड नहीं कर लेना है। आपको जो मैंने बताया है कि मिनी फुट की और टीनी फुट की, इस दोनों चैनल से ही आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, क्योंकि ये दोनों चैनल जो है शॉर्ट वीडियो को नहीं बनाते हैं। तो इनके वीडियो को यूज करके आप शॉर्ट वीडियो को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से भी यहाँ पे आप लोग वीडियो को एडिट करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है जो आप लोग अपने वॉइस का यूज करके यहाँ पे वीडियो को एडिट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना और मिक्सर पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको इसके वॉल्यूम को 0 कर देना। ठीक है, और बैक आ जाना। अब आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना और स्टार्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको वॉइस ओवर कर लेना है। और इस वीडियो में आप लोग फ्री म्यूजिक का भी यूज कर सकते हो। फ्री म्यूजिक आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सारी फ्री म्यूजिक को प्रोवाइड किया हुआ है और भी बहुत सारी फ्री म्यूजिक को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से म्यूजिक को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हो, जिससे कि आपकी वीडियो को कोई भी कॉपी नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो ले लेना है। तो यहाँ पे आप
देख सकते हो कि मैंने एक फुटबॉल की इमेज को ले लिया है और यहाँ पे ऊपर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और छोटा करके लगा देता हूँ। अब आपको इस इमेज पे क्लिक करने के बाद वीडियो को लास्ट तक ले जाना है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को बनाना है। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वीडियो को अच्छी क्वालिटी में सेव कर लेना है और बिट रेट भी आपको यहाँ पे हाई रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।